याद रखना, राम की उपासना करना है। राम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो शिव की भक्ति। जिसने शिव की साधना नहीं की, शिव की उपासना नहीं की, याद रखना कभी राम भक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि राम भक्त का एक ही लक्षण है, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो। राम भगत कर लक्षण के हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो। राम भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है कौन सा? कि बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो। बिना छल कपट का परित्याग करके जो भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रेम करते हो, नेह करते हो, वही भगवान राम के सच्चे भक्त हैं। बोली भक्त वत्स भगवान की। और आज भी इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मन में, अगर वैष्णव हैं वो तो शिव उपासक का विरोध करते हैं, और शिव की उपासना करने वाले हैं तो राम और कृष्ण के भक्तों का आज भी विरोध होता है। सच बताएं, आपस में आज भी द्वंद चल रहा है। परंतु मैं ऐसे समस्त लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि अगर देखा जाए तो हम लोग तो वैष्णव और सयू संप्रदाय को लेकर के आपस में शत्रुता पाल रखे मन में, परंतु जिन सयू संप्रदाय में भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मुझे तो लगता है कि शिव जी जैसा वैष्णव संसार सागर में कोई है ही नहीं। बोली भक्त वत्सल भगवान। और राम की भक्ति करके आप वैष्णव बनना चाहते हो तो राम जी जैसा सयु कि संसार सागर में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी रात दिन उठते बैठते देवादेव महादेव का भजन करते और महादेव राम राम गाते रहते। तो देखा जाए तो शिव जी भगवान राम के परम वैष्णव भक्त हैं और राम जी देवादेव महादेव के सबसे बड़े सयु संप्रदाय को मानने वाले। तो जो स्वयं हमारे जो इष्ट देवता है वही एक दूसरे संप्रदाय को अपने जीवन में सिरोधार्य करके सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, मानते हैं, तो हमको सबको आपस में शिव भक्तों से विरोध करके या राम भक्तों से विरोध करके कभी रहना नहीं चाहिए। चाहे राम की भक्ति करिए और चाहे शिव की भक्ति करिए। शिव की भक्ति करोगे तब भी भगवान राम की कृपा आपके जीवन में होगी, और राम की भक्ति करोगे तब भी भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में अवश्य होगी। बोली भक्त वत्सल भगवान।